नारायण साकार हरि को अच्छे कपड़े और चश्मों का शौक था। आपको बता दें कि नारायण साकार के सत्संग की वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं होती थी। बाबा की तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने पर भी पाबंदी रहती है। नारायण साकार हरि के मानने वाले तमाम लोग हैं, एक ऐसे ही श्रद्धालु उनके अनुयायी हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि पिछले 10 सालों से उनसे जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि बाबा के आश्रम में और सत्संग के दौरान किन किन चीज़ों पर मनाई रहती है। सब ये बताइए, क्या क्या मना रहता है वहाँ पर? वहाँ पर कुछ नहीं, केवल नारायण साकार की संपूर्ण विवाह सदस्य की जय जयकार, जगत जननी साकार माँ महातेश्वरी की संपूर्ण विवाह सदा सदा के लिए ये मौन मंत्र लिया जाता है प्रभु, और जो कर उनके मतलब दर्शन करते हैं बस इतना ही होता है वहाँ पर, और कुछ नहीं होता है। मोबाइल वगैरह पर प्रतिबंध रहता है? मोबाइल वगैरह वहाँ पे नहीं किया जाता, कि प्रशासन द्वारा वहाँ पे मना रहता है, वर्जित है। पहले से ही बोल दिया जाता था कि यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते, कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते वगैरह, ना फोटो वगैरह खींच सकते हैं, ये वहाँ पे फिर उससे पहले से ही मना रहता है। बाबा के तमाम आश्रम में आप गए होंगे जहाँ जहाँ सत्संग होता जाते हैं आप, तो ऐसे में क्या किसी आश्रम में CCTV कैमरा या और तमाम व्यवस्थाएं कुछ देखी हैं? ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं रह रहा, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा, ना दान पात्र कहीं देखा, ना मैंने पैसा कहीं पे जमा किया। CCTV देखा कहीं पर? नहीं, कुछ नहीं देखा, ना किसी को फोटो कैमरा सब मैंने रहता, जैसे फ़ोन ले लिया तो वो दिया नहीं जाएगा, प्रशासन के हाथ में दे दिया जाएगा, अगर किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग की या मतलब किसी लैब वगैरह डाला, इसलिए ये मना रहता था। अच्छा, पूरी तरीके से प्रतिबंध रहता है? प्रतिबंध रहता था सर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, प्रतिबंध नहीं होता, तो उस दिन जो घटना हुई थी तो साफ 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 हो जाती, कुछ वीडियो सामने आ जाते? कोई बना लेता, मैंने तो नहीं वहाँ पे देखा, मैं वहाँ पे था, भीड़ भाड़ में मैं भी दब गया, लेकिन मैंने ये तो नहीं देखा, पता नहीं कौन गिरा क्या हुआ, ये तो नहीं मैंने देखा। मैं आप थे वहाँ पर? वापस आ गए और घर पे आ गए। आप थे वहाँ पर? हाँ, हम गए तो वहाँ पे लमसम 50 लोग की एक गाड़ी थी, बस में गए थे हम लोग, संगत के लोग थे, गाँव के सब लोग सारे अच्छे से घर पे लौट रहे, कोई परेशानी नहीं हुई हम लोगों को। बाबा को उसमें कहीं ना वीडियो चलता है ना बाबा अपना वीडियोग्राफर तो रखते होंगे जो बनाता होगा, प्रवचन देते हैं तो? वो मैंने तो नहीं देखा है, होता होगा तो पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। और मतलब वे आते हैं और सीधे उधर से गाड़ी से आते हैं अपने और दर्शन देते हो, और जो मुँह से मुखमंडल से बोलते और चले जाते अपने। भक्तजन कोई भी जो है वो अपने पास में मोबाइल रख नहीं सकता? तो स्विच ऑफ बोल दिया जाता, स्विच ऑफ कर लो अपना अपना फ़ोन, बस ये बोल दिया जाता है। सुरक्षा के लिहाज से ठीक है ये? क्या लगता है? अच्छा से सब कुछ, हमें तो अच्छा ही लगा, अब जाने पता नहीं प्रभु जाने क्या हुआ क्या नहीं, अब ये सब हुआ इतना फैला पड़ा, क्या उनकी मर्जी जाने भाई क्या हुआ। घटना के बारे में क्या कहेंगे, इतनी दुखद घटना हो गई, क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहेंगे? तो सबको ही है, हम लोगों को भी दुख, परमात्मा भी जाने, दुख तो सब लोगों को होता है किसी का, वो अब परमात्मा उसका निर्णय जरूर लेंगे, जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगे जरूर। वीडियो आया है, उन्होंने खेद व्यक्त किया और कह रहे हैं कि हम साथ में खड़े हैं तमाम लोगों के, लेकिन ये लगता है कि उनको देखने जाना चाहिए था घायलों को, अगर देखने जाते तो परिवार वाले बड़ा संबल महसूस करते। अंतर घटके हैं वो, सब कुछ देख रहे हैं, मरते जीते सब देख रहे हैं, तो उन्हें जाने से ही तभी पता लगता कि देखने नहीं गए। उनका शरीर तो दिखावटी है ना, जो हैं उनको नौकरी भी उन्होंने की है, इंटेलिजेंट बता रहे ब्यूरो में किया प्रभु ने, तो वो सब कुछ देखे हुए हैं, पुलिस में भी किया उन्होंने, नौकरी की है प्रभु ने बोला मुखमंडल सपने, तो क्या बाबा के अनुयायी हैं उनका कहना ये है कि जो आश्रम होता है, आश्रम के अलावा तमाम सत्संग दूसरे स्थानों पर होते हैं, वहाँ पर जो भी अनुयायी जाते हैं उन्हें तमाम चीज़ों से रिस्ट्रिक्ट रखा जाता है, जैसे कि वो मोबाइल अपना प्रयोग नहीं कर सकते, और यही वजह है कि मोबाइल प्रयोग न करने की वजह से जो पूरा हादसा हुआ उसकी कोई भी सटीक तस्वीर सटीक वीडियो निकल करके सामने नहीं आ सका। दरअसल बाबा मोबाइल कैमरों से और तमाम दूसरे कैमरों से बचते हैं, यही वजह है कि उनके जो आश्रम हैं उन आश्रमों में भी कहीं पर भी CCTV कैमरा लगा हुआ दिखाई नहीं देता। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से आज के दौर में CCTV कैमरा काफ़ी अहम माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनके किसी आश्रम में CCTV कैमरा नहीं लगाया गया है। विजिलेंस चंद्र सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट मैनपुरी। हाथरस हादसे के बाद बाबा नारायण साकार हरि लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, उनको लेकर के लोग तमाम चीज़ों को जानना चाहते हैं, उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। उनके बारे में एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि उन्हें कैमरे का फोबिया है, यानी कैमरे से उन्हें डर लगता है। यही वजह है कि आज जब उन्होंने बयान भी जारी किया तो कहीं ना कहीं कैमरे पर डरते हुए नज़र आए, रुक रुक करके उन्होंने अपना बयान दिया। इसके अलावा उनके तमाम जो सत्संग होते हैं, जब वो प्रवचन करते हैं, इस दौरान जो श्रद्धालु आते हैं, जो उनके अनुयायी आते हैं, उनको कैमरा चलाने की इजाज़त नहीं होती,
लोगों के मोबाइल या तो जमा करा लिए जाते हैं या तो उन्हें स्विच ऑफ करा दिया जाता है। कोई भी शख्स अगर मोबाइल चलाता हुआ दिखता है तो उसका मोबाइल जब्त भी कर लिया जाता है। यही वजह है कि उनके तमाम जो आश्रम हैं वहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगा कि CCTV कैमरे नहीं लगे हुए हैं। एक आश्रम मैनपुरी में है, मैनपुरी आश्रम के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े परिसर में ये आश्रम बना हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से इसकी दीवारें काफ़ी ऊँची हैं, इसका जो दरवाज़ा है वो काफ़ी ऊँचा है, लेकिन CCTV कैमरा नहीं लगाया गया। क्या वजह है कि बाबा को कैमरे से डर लगता है? एक श्रद्धालु से बात किया गया तो उसने इस बात की तस्दीक की है कि जब भी लोग उनके कार्यक्रमों में जाते हैं तो उन्हें वीडियोग्राफी करने की इजाज़त नहीं होती, मोबाइल कैमरा रखने की इजाज़त नहीं होती, मोबाइल कैमरा मोबाइल फ़ोन ऑन रखने की इजाज़त नहीं होती। यही वजह है कि हाथरस हादसे के बाद कोई भी साफ तस्वीर निकल करके सामने नहीं आई। इस पूरे भगदड़ की कोई तस्वीर निकल करके सामने नहीं आई, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु जो वीडियो बना सकते थे उनके पास उनके मोबाइल नहीं थे, उनके मोबाइल पहले ही बंद करा दिए गए थे। तमाम सत्संगों में इस बात की ताकीद की जाती है कि कोई भी वीडियो यहाँ से लीक ना हो जाए, कोई भी वीडियो बन करके बाहर ना चला जाए। बाबा सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, बाबा कैमरे से दूर रहते हैं। कहा जा सकता है कि उनको कैमरे का फोबिया है, यही वजह है, या फिर या तो कैमरे का फोबिया है या फिर कहा जा सकता है कि उनको आशंका रहती है कि अगर ये सब बाहर गया तो उनका ढोंग उनका आडंबर लोगों के सामने आ जाएगा। यही वजह है कि उनकी कोई सभा हो, प्रार्थना सभा हो, या फिर सत्संग हो, या आश्रम के बाहर जब वो प्रवचन देते हैं, इन सभी कामों में इस बात को पर विशेष जोर दिया जाता है कि कोई भी शख्स इस कार्यक्रम की वीडियोग्राफी ना करने पाए, मोबाइल से फ़ोटो ना खींचने पाए।